जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 16 जनवरी 2024 के लिए। और आज का शीर्षक दिया सुपर बुलिश। तो डाटा देख के तो बहुत ही सुपर बुलिश है मार्केट। कल ही लगता है 22,400-22,500 टच कर देगा ऐसा लग रहा है डाटा देख के। अब होगा नहीं होगा वो कल का कल देखेंगे। ये आज की समरी है, ट्राई किए थे हमने, कोई खास नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में कॉल में भी पैसा मिला और इंट्राडे वाले को भी 70 का 116 में निकलवाया, पोजिशनल वाले को 85 का 152 में निकलवाया, फिर वापस अपने भाव में नहीं आया, नहीं तो मैं दिलवाता। और उसके बाद बैंक निफ्टी में का पुट लिया था 88 में, लास्ट में वो 81 में निकलवा दिया, नहीं समझ में आया। सुबह अपने को प्रॉफिट हुआ था, 93 वाला 148 में बिकवा दिया था। उसके बाद निफ्टी दिलवाया था 75 में, वो फिर 71 में निकलवा दिया, नहीं समझ में आया, एग्जिट कर दो। और बैंक निफ्टी कल का जो BTST था वो हम लोग ने 50 में निकाला, क्योंकि जब 47,500 का पुट सुबह जब 148 हुआ तब ये 53 रुपया हुआ था, तो वहाँ पर वो निकाल दिए। ओवरऑल समरी देखा जाए तो 1,571 रुपये जमा हुए और 9 कैरी फॉरवर्ड, कोई भी कैरी फॉरवर्ड सुधा लेके हम लोग नहीं आए BTST। अब आने वाले कल के लिए डाटा बुलिश है और मार्केट लग रहा कल 22,500 हो ही जाएगा, कल ही हो जाएगा ऐसा लग रहा मुझे, देखते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए, आज FII ने इंडेक्स में 3648 करोड़ का बाई किए और 2202 करोड़ का सेल किए, यानी 1446 करोड़ का निफ्टी बाई किए। FII ने FNO स्टॉक्स में भी 135 करोड़ का बाई किए, कैश में भी 1086 करोड़ का बाई किया, मैंने हर जगह ब्लू ब्लू ब्लू। और DII ने 821 करोड़ का सेल किए। ये डाटा सेट है और डाटा शीट में कुछ देखना नहीं है, सब माइनस में है, सिर्फ FII बाई कर रहे हैं। इंडेक्स कॉल में भी FII ने बाई किया हुआ है और इंडेक्स पुट में भी प्रो ने सेल किया है, यानी वो तेजी खेले हैं। तो ओवरऑल डाटा सुपर बुलिश है, कल ही लग रहा है कि 22,500 आ जाएगा ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं कल क्या हो रहा है। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट जहां बढ़े हुआ 10,699 के नीचे सेल जोन रहेगा, सपोर्ट 10,622, 10,576, रेजिस्टेंस ऊपर में 10,742, मनी कंट्रोल PCR 1.04, मैं जो बनाता हूं 1.09, तो ओवरबोट में है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,650 का पुट वीकली वाला जहाँ घटे हुआ 63 के पास लीजिए, सपोर्ट 38 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 120 का। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट अबव 22,058 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 22,000 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 22,154 और 22,211 तक जा सकता है। और मनी कंट्रोल PCR 1.5 है, ओवरबोट में है और मैं जो बनाता हूँ 0.93 है, तो कल जहाँ ऊपर खुले तो वहाँ पर पुट लेना चाहिए, क्योंकि अब PCR बहुत ही हाई है, ओवरबोट है, तो कभी भी गिर सकता है भैया, एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए निफ्टी 22,100 का पुट वीकली वाला जहाँ घटे हुआ 65 के पास लीजिए, और इनके ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो वेट कीजिए, आपको 40 में मिल जाए, 35-40 में, तो वहाँ लेना चाहिए। और 25 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस लगाइए, रेजिस्टेंस ऊपर में 130 और 160 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहाँ बढ़े हुए 21,527 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस 21,594 का रखिए, सपोर्ट 21,432, 21,365, मनी कंट्रोल PCR 1.05, मैं जो बना रहा हूँ 0.92। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए फिन निफ्टी 21,550 का पुट वीकली वाला जहाँ घटे वहाँ 32.5 के पास लीजिए, 0-0 कल का ये रहना चाहिए,
सपोर्ट 21.5 और 10.75 दो दिया हुआ है, जहाँ समझ में आए ले सकते हो जीरो हीरो के लिए। रजिस्टर ऊपर में 90 और 130 तक भी जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट अबव 48,075 के ऊपर बाय जोन, सपोर्ट 47,900 का, रजिस्टर ऊपर में 48,325 और 48,500। कल HDFC बैंक का रिजल्ट है, तो रिजल्ट के ऊपर ही कल बैंक निफ्टी रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड हो सकता है। अगर रिजल्ट खराब आया तो फिर कल बैंक निफ्टी का भसान हो जाएगा, 47,000 तक भी आ सकता है। फ्यूचर में 48,306 क्लोजिंग है, और फ्यूचर जो है 48,200 के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा, 200 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 48,035 और बाद में 47,800 तक भी आ सकता है। रजिस्टर ऊपर में 48,480 और 48,650। मनी कंट्रोल PCR 1.21 है, मैं बनाता हूँ 0.83 है, तो PCR थोड़ा ओवरबोट में है। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 90 के पास लीजिए, क्लोजिंग 110 का दिया है, सपोर्ट 66 और 50 का स्टॉप लॉस रखिए, रजिस्टर ऊपर में 156,202 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 16 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी 48,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 90 के पास लीजिए, या तो वेट कीजिए जितना नीचे मिले 70 के पास, 70-74 तक आना चाहिए मेरे हिसाब से, और सपोर्ट 50 का रखिए। हीरो जीरो भी ये रहेगा बुधवार के लिए, तो इसको जीरो समझ के लेना हो तो लीजिएगा, रखना होगा आपको। रजिस्टर ऊपर में 230 और 330 तक जा सकता है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो, और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।